शहरी गरीबों को 1 लाख फ्लैट और प्लाट। खराब फसल दोबारा लगाने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपये मिलेंगे। 450 स्क्वायर फीट के फ्लैट व 1 मरले का होगा प्लाट। दोस्तों, प्रदेश से 2.5 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद केंद्र सरकार करेगी। ओबीसी परिवार पहचान पत्र से ऑनलाइन बनेगा जाति प्रमाण पत्र। भावांतर योजना में बाजरा भी सरकार करेगी भरपाई। दोस्तों, सीएम ने 176 पोर्टल किए लॉन्च। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गरीब परिवार को 1 लाख सस्ते फ्लैट और प्लाट दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। सालाना 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवार इसके पात्र होंगे, जो 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की एक एक मरला के 50,000 प्लाट और 450 स्क्वायर फीट तक के 50,000 फ्लैट बनाकर देने की योजना है। 4 शहर पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत में लोगों के पास सिर्फ फ्लैट का विकल्प होगा, जबकि बाकी जिलों में फ्लैट व प्लाट दोनों विकल्प होंगे। प्लाट की कीमत 1 लाख रुपए और फ्लैट की 6 से 8 लाख रुपए तक हो सकती है। सीएम ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान बुधवार को कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों को धान की रोपाई दोबारा करनी है, उन्हें प्रति एकड़ 7,000 रुपए देंगे। परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के तहत परिवार का पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये शहरी विकास, शहरी आवास योजना की शर्तें हैं। दोस्तों, शहरों में आवास और प्लाट मुहैया करवाए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 तक की आय होनी चाहिए। घुमंतू जाति से संबंधित परिवारों को आवास में प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी वह या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम शहरी क्षेत्र में पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए। घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। परिवार पहचान पत्र के जरिए ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर परिवार पहचान पत्र में मौजूद अपने डाटा के आधार पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। 563 परिवारों को 21 करोड़ रुपए दिए गए। अंत्योदय परिवार योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना या दयालु योजना के तहत 563 लोगों को 21 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एग्रीगेटर्स को 1,000 से 3,000 रुपए प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन मिलेगा। नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 पोर्टल शुरू किया। ई रवाना की जगह HMIS पोर्टल लॉन्च किया गया।